अच्छा एक नुक्ता और सुन लें, कुछ हकीम हजरत ने ये नुक्ता निकाला है, वैसे मैं ज़िमनन बात कर देता हूँ। लोग कहते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और कुछ लोगों ने एक मनगढ़ंत हदीस बनाई हुई है कि खाने से पहले पानी पीना ऐसे है जैसे सोना है, और खाने के दौरान पानी पीना ऐसे है जैसे चांदी है, और खाने के बाद पानी पीना ऐसे है जैसे लोहा है। तो अब लोहा, चांदी, सोना, तो इसलिए इंसान को चाहिए खाना खाना से पहले पानी जितना पी ले, खाने के दौरान ज़रूरत हो तो पी, खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन ये याद रख लें, ये एक हिकमत की बात हो सकती है, एक तिब की बात हो सकती है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग सुन्नत कह देते हैं ना, खाना के बाद जो है पानी पीना सुन्नत के खिलाफ है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। और जो हदीस बताई जाती है ना, खाने से पहले पानी पीना सोना है, दरमियान में चांदी है, आखिर में लोहा है, तो कम से कम लोहा तो है ना। ये तो नहीं कह देते हो कि पानी पीना जो है गुनाह है, इसको शरी लिहाज से कुछ ना समझा जाए। तो किसी ने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहां भी बोला है कुलू वशरबू खाओ पियो खाओ पियो खाओ पियो, कहीं पियो खाओ नहीं कहा, इशरबू और कुलू नहीं कहा। जहां भी अल्लाह ताला कहता है कुलू वशरबू खाओ और पियो, यहां अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा फकुली वशरबी, ये नहीं कहा पहले पी ले और फिर खा ले। यही कहा, अगरचे वाव में तरतीब नहीं होती, दोनों चीजें हैं। हाँ, दोनों चीजें वाव में तरतीब नहीं होती है, लेकिन कम अज कम जिक्र होने में तो खाना पहले में जिक्र है ना। फकुली वशरबी, बस खाओ और पियो, और जहां भी अल्लाह ताला ने खाने और पीने का जिक्र किया है यही कहा फकुलू वशरबू, बस खाओ और पियो। कम अज कम जिक्र में तो खाना पहले आ रहा है ना। इसलिए बहरहाल ये एक नुक्ता दरमियान में बयान करना था। ऐसा नहीं है कि ये कोई इसका ताल्लुक इस मजमून से है, लेकिन अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को कहा फकुली वशरबी वकर्री आईना।